हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 to 35। तो इसमें हमें एक पज़ल दी हुई है, पज़ल के बेस्ड पे हमने इंफॉर्मेशन से सॉल्व करनी है पज़ल, और पज़ल सॉल्व करके हमें क्वेश्चंस के फिर आंसर देने हैं। तो इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं हम, क्या है। एट फ्रेंड्स जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर सिटिंग अराउंड द सर्कल फेसिंग द सेंटर। तो एक सर्कल पे हमारे पास एट फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, इस तरह से एक सर्कल बना देते हैं, इसके अराउंड फेसिंग द सेंटर एट फ्रेंड्स हैं। जे इज नॉट द नेबर ऑफ एन, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, जे और एन इकट्ठे नहीं बैठेंगे। एल इज थर्ड टू द राइट ऑफ के, तो पहले के बनाते हैं हम, सपोज ये के बना दिया, इसके थर्ड राइट पे एल है, मतलब फेसिंग द सेंटर, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, तो थर्ड राइट पे कौन है, एल है, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्यू इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एन हु इज नेक्स्ट टू द राइट ऑफ एल। तो इसका मतलब है क्यू जो है वो सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एन है, और एन जो है वो नेक्स्ट टू द राइट ऑफ एल है। तो एल के राइट में क्या हो गया, एन हो गया, और इसके सेकेंड लेफ्ट में क्यू हो जाएगा। इसके सेकेंड लेफ्ट में क्यू होने का मतलब क्या है, कि क्यू कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर क्यू आ जाएगा। देखो ये फर्स्ट लेफ्ट हो गया, ये सेकेंड लेफ्ट हो गया, तो यहाँ पर क्यू आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, ओ इज नॉट द नेबर ऑफ एन और के एंड इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। अब मैंने कितनी पोजीशन बना दी है, 1 2 3 4 5 बना दी है, तो हम 6 7 8 पूरी कर लेते हैं, 6 7 और 8, ये 8 पोजीशन पूरी कर दी। अब ओ जो है वो के का नेबर नहीं है और एन का नेबर भी नहीं है, मतलब ओ कहाँ पर आ सकता है, ओ 1 2 और 3 इन पोजीशन पे नहीं आएगा। तो ओ के लिए एक ही पोजीशन बनती है, ये ओ की पोजीशन होगी हमारे पास, ठीक है ना। तो दिस इज द पोजीशन फॉर ओ। अब उसके बाद क्या है हमारे पास, कि जो ओ जो है पी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी है, तो पी के इमीडिएट लेफ्ट का मतलब क्या है, हमारे पास पी कहाँ आ जाएगा, पी इधर आ जाएगा, क्योंकि पी के इमीडिएट लेफ्ट पे क्या है, ओ इज नॉट द नेबर ऑफ एन और के एंड इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। अब हमारे पास दो पोजीशन बच गई, और पर्सन कौन से बच गए, जे और एम, ठीक है। अब हमें फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दी हुई थी, कि जे इज नॉट द नेबर ऑफ एन, तो इस पोजीशन पर जे नहीं आ सकता, इस पोजीशन पर जे नहीं आ सकता, क्योंकि पोजीशन ये बची है जे और एम के लिए, एक पोजीशन ये बची है जे और एम के लिए, और इस पोजीशन पर जे नहीं आ सकता, बिकॉज जे जो है वो एन का नेबर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे एम आएगा, और जो लास्ट पोजीशन बच गई वहां पर जे आएगा। तो ये हमने सभी पर्सन की पोजीशन फाइनलाइज कर दी, तो ये हमारे पास पोजीशन फाइनलाइज हो गए, ये डायग्राम बना है। तो अब हम क्वेश्चन के आंसर बड़े इजीली दे सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पोजिशन ऑफ एल, एल की पोजिशन बतानी है करेक्ट कौन सी ऑप्शन होगी, टू द इमीडिएट राइट ऑफ एन, इमीडिएट राइट ऑफ एन तो नहीं है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन है, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है, फर्स्ट ए पार्ट। टू द इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, ये ट्रू है बिल्कुल, टू द इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, क्योंकि क्यू के इमीडिएट राइट पे कौन है, एल है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो गया ऑप्शन बी। 32 पे चलते हैं, 32 का क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पर्सन रिप्रेजेंट ओज नेबर्स, तो ओ के नेबर कौन कौन है, ओ के नेबर है एम और पी, क्लियरली ओ के नेबर आ रहे हैं एम और पी, तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, एम और पी। फिर नेक्स्ट 33 क्वेश्चन में चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द पर्सन हैज द फर्स्ट पर्सन सिटिंग बिटवीन द अदर टू पर्सन, जो फर्स्ट है वो बाकी दोनों के बीच में आना चाहिए, जैसे ए ऑप्शन है पी के सी, तो ये अरेंजमेंट होना चाहिए कि पी जो है वो के और सी के बीच में आना चाहिए, ऐसा हो रहा है, फर्स्ट पर्सन सिटिंग बिटवीन द अदर टू पर्सन, के और सी के बीच में पी के सी, तो के और पी के ओ होगा यहाँ पे, पी के सी नहीं, पी के ओ होना चाहिए, के और ओ के बीच में पी आ रहा है, के और ओ के बीच में पी आ रहा है, ये बिल्कुल ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट पी के ओ फर्स्ट पर्सन इज सिटिंग बिटवीन द अदर टू, दैट के इज सिटिंग बिटवीन पी एंड पी इज सिटिंग बिटवीन के एंड ओ। हाँ, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि ऑप्शन ए में हमारे पास है पी के ओ, तो इसका मतलब पी मस्ट बी सिटिंग बिटवीन के एंड ओ, तो ये बिल्कुल सही हमें दिखाई दे रहा है, दैट पी इज सिटिंग बिटवीन के एंड ओ। बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, जे क्यू एल है बी ऑप्शन, जे क्यू एल का मतलब क्या है, कि जे मस्ट बी सिटिंग बिटवीन क्यू एंड एल, और ये ट्रू नहीं है, क्यू और एल के बीच में तो जे नहीं आ रहा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है क्यू एन एल, तो क्यू एन एल देखते हैं, क्यू एन और एल के बीच में आ रहा है, एन और एल के बीच में क्यू भी नहीं आ रहा, ठीक है, फर्स्ट को बीच में आ रहा है। एल एम एन, क्या एल एम और एन के बीच में आ रहा है,
एल एम और एन के बीच में नहीं आ रहा, तो ये चारों तीनों ऑप्शन गलत हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पी के ओ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ के, इमीडिएट राइट ऑफ के इमीडिएट राइट में कौन है, जे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए दैट इज जे। हाँ, तो 35 क्वेश्चन में चलते हैं। हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ के लेफ्ट में लेना है, तो ओ के लेफ्ट में कौन है, एम। ओ के लेफ्ट में है, क्लियरली डायग्राम से पता चल रहा है कि अगर फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर है तो ओ के लेफ्ट में आएगा एम, तो हम लेंगे इसका आंसर नन ऑफ दीज, बिकॉज पी एल क्यू जे कोई भी नहीं है, तो आंसर आएगा ई ऑप्शन नन ऑफ दीज, क्योंकि आंसर होना चाहिए था ओ के लेफ्ट में एम, ओ के लेफ्ट में होना चाहिए था एम, तो एम इज नॉट इन द ऑप्शन, वी विल गो विद ऑप्शन ई नन ऑफ दीज।